आंवले में विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसे अपनी डाइट में जरूर से शामिल करें। आज मैं आपसे ये बहुत ही गुणकारी आंवले की दो रेसिपीज शेयर कर रही हूँ। जिसको आंवला खाना नहीं पसंद है वो भी इसे बहुत चाव से खाएंगे। ये दो तरह की आंवले की चटनी इतनी लाजवाब बनती है, आप हमेशा ऐसी ही चटनी बनाकर खाएंगे। तो आप भी सर्दियों के सीजनल फल से आंवले की दो तरह की चटनी बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी। और आप इसको बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि दो तरह की आंवले की चटनी की रेसिपीज। तो यहाँ पे मैंने 350 ग्राम आंवला लिया है। ये गोल गोल एकदम सुंदर सुंदर आंवले को मैंने पानी से धोकर इसको कपड़े से पोंछ लिया है। अब हमें इस आंवले को कद्दूकस करना है। तो इसमें से करीब 200 ग्राम आंवले को हम कद्दूकस करके रेडी कर लेंगे और बाकी आंवले को हम दूसरी रेसिपी के लिए रखेंगे। तो देखिए, कद्दूकस की मदद से सारे आंवले को हम कद्दूकस करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आधे से ज्यादा आंवले को कद्दूकस कर लिया है और 5 से 6 आंवले मैंने बचा लिए हैं दूसरी रेसिपी के लिए। अब जो ये आंवला हमने कद्दूकस कर लिया है, इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन गर्म होने को रखा है। पैन में हमें 1 बड़ा चम्मच घी डालना है। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1 छोटी चम्मच सौंफ डाल देंगे और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 लौंग लिया है, इसे भी डाल देंगे। जब ये हल्का गर्म हो जाए तो हम इसमें ये कद्दूकस किए हुए आंवला डाल देंगे सारे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसको हमें धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। बस हमें इसको ज्यादा कुक नहीं करना, बस 2-3 मिनट हमें इसको हल्का सा भून लेना है। तो देखिए, मैंने आंवले को 2-3 मिनट बस घी के साथ भुना है। और अब हम इसमें एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है गुड़। तो यहाँ पे मैंने करीब 150 ग्राम गुड़ को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है इमाम दस्ते में। तो ये देसी वाला गुड़ है, आप यही वाला यूज़ करें। अगर आपको मैं कप के नाम से बताऊँ तो ये मैंने आधा कप लिया है। इसको हम आंवले के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से पिघल नहीं जाता। तो गुड़ डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको पिघलने तक पकाइए। तो जब गुड़ हल्का पिघलने लगे तो इसको इस तरह से स्पैचुला से क्रश करते हुए इसको दबा दबा कर तोड़ लें ताकि ये जल्दी से आंवले के साथ पिघल कर मिक्स हो जाए। तो देखिए, 3-4 मिनट बस मैंने इसको पकाया है और गुड़ अच्छे से पिघल गया है, पर ये अभी बहुत ही लिक्विड वाली कंसिस्टेंसी में है। हमें इसको हल्का सा और सुखाना है। अभी जैसे आप देख सकते हैं, मैं इसको चम्मच से गिरा रही हूँ तो आसानी से ये गिर रहा है। तो इसको हम 2-3 मिनट और पका लेते हैं। तो अब हम फ्लेम को धीमी कर देंगे और इसको पकने देंगे। तब तक हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें सौंठ का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, जो अदरक का सूखा पाउडर होता है वो हम डाल रहे हैं। साथ ही में हम 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे इसमें। 1/4 छोटी चम्मच जितनी हम इसमें काला नमक डाल देंगे और रेगुलर नमक भी डाल देंगे थोड़ा सा, 1/4 छोटी चम्मच जितनी। और बस हमें इसमें अब हल्दी पाउडर डाल देना है 1/4 छोटी चम्मच। साथ ही में मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/4 छोटी चम्मच और साथ ही में थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया है। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले डालकर इसको 2-3 मिनट और पका लीजिए। और अब देखिए कि ये सूखने वाली कंसिस्टेंसी में आने लगा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा काजू डालेंगे, ये ऑप्शनल है पूरी तरह, आप चाहें तो डालें। तो मैंने यहाँ पे 10-15 काजू को इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है और 2-3 साथ में पिस्ता भी थे तो उसे भी मैंने बारीक काट कर ले लिया है। ये डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस आंवले की खट्टी मीठी चटनी के साथ। और अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अभी हमारी ये आंवले की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और ये गाढ़ा होगा। तो बस यही वाली कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। और इसको ठंडा होने के बाद हम किसी भी एयर टाइट जार में स्टोर करके इसको 2 से 3 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। तो अभी मेरी इस बहुत ही आसान सी रेसिपी से इस आंवले की खट्टी मीठी चटनी को ज़रूर बनाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है खाने में। अब आइए हम आंवले की दूसरी रेसिपी देख लेते हैं। तो ये बचे हुए 6-7 आंवले जो हमने दूसरी रेसिपी के लिए लिए हैं, इसे हमें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो सारे आंवले को देखिए, मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट कर तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और ये सारे कटे हुए आंवले को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे करीब 1 कप हरा धनिया, तो मैंने यहाँ पे पतली डंडियों के साथ इसको डाला है और ये वजन में करीब 50 ग्राम है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे रोस्टेड चना, तो ये मैंने करीब 2 बड़े चम्मच रोस्टेड वाले चना लिए हैं। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं चटनी में डालने से। आप इसकी जगह पे मूंगफली या फिर
सफ़ेद वाली तिल भी डाल सकते हैं। इसके साथ हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2-3 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। साथ ही में हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, करीब 1/2 छोटी चम्मच जितना, और स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल लें। और बस थोड़ा सा हमें पानी डालना है, 2-3 बड़ी चम्मच जितना, क्योंकि हमें इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है और आंवला में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, वो जूसी होता है काफ़ी। तो अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का आपको इस चटनी को पीस कर तैयार करना है। आप इस चटनी को पतला भी बना सकते हैं, पर हम इस चटनी को 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं अगर आप इसको इस तरह से गाढ़ा बनाएंगे तो। तो बिल्कुल इसी तरह से थिक पेस्ट की तरह आप इस चटनी को बनाकर तैयार कीजिए। बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है इस तरह से बनी चटनी। तो ये हमारी स्वाद और सेहत से भरपूर 2 तरह की आंवले की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार है। तो अभी आंवले के सीज़न में, सर्दियों के टाइम में, हम सभी को आंवला ज़रूर खाना चाहिए किसी न किसी तरह से। तो आप ये मज़ेदार सी दोनों चटनी बनाकर ज़रूर खाइए और सबको खिलाइए। ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ही हेल्दी है और ये इतने यमी लगते हैं, आप हमेशा इन्हें बनाकर स्टोर करके रखेंगे। आपको मेरी आज की आंवले की ये 2 रेसिपीज़ कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।